डिनर पार्टी में एक ही टेबल पर बैठे दिखे मोदी समेत कई विपक्षी नेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को राष्ट्रीय राजधानी स्थित एक पांच सितारा होटल में डिनर पार्टी का आयोजन किया। इस डिनर पार्टी के लिए पीएम मोदी की और दोनों सदनों के लगभग 750 सदस्यों को संसदीय कार्य मंत्री की ओर से आमंत्रण भेजा गया था, लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और मीसा भारती जैसे नेता इस डिनर पार्टी में शामिल नहीं हुए। हालांकि कांग्रेस के और राज्यसभा के नेता गुलाम नबी आजाद पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान पार्टी की कुछ तस्वीरें सामने आई है, जिसमें एक ही मेज पर पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, डीएमके की सांसद कनिमोझी और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन बैठे दिखे। सरकारी फाइव स्टार होटल में आयोजित अधिकारी डिनर में केवल शाकाहारी व्यंजन परोसे गए। इस डिनर पार्टी में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह बीजेपी में शामिल हुए, टीडीपी के 3 सदस्य वाईएस चौधरी, सीएम रमेश और टीजी केंकटेश डिनर में मौजूद हुए थे। इस डिनर पार्टी के दौरान पीएम मोदी ने नव निर्वाचित सांसदों को बधाई दी और सांसदों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन द्वारा निभाई गई भूमिका सराहना की। सूत्रों ने बताया कि डिनर इसलिए आयोजित की गई ताकि प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री परिषद के अन्य सदस्य दोनों सदनों के सभी सांसदों से अनौपचारिक माहौल में मिल सके। बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि सांसदों ने प्रधानमंत्री के साथ बहुत ही अनौपचारिक तरीके से बातचीत की है। यही नहीं, कई सांसद पीएम मोदी के साथ सेल्फी लेते भी दिखे। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।